ये है गुजरात का पाटण, जिसे पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था। पाटण गुजरात की पूर्व राजधानी भी रहा है। यहां है रानी की वाव, एक ऐसा स्मारक जो बेहद खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित करता है। ये भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। वाव यानी बावड़ी या सीढ़ी नुमा कुआं, जहां ज्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की याद में निर्मित कराए गए हैं, वहीं रानी की वाव ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया है। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में 11वीं सदी में कराया था। ये बावड़ी न सिर्फ जल प्रबंधन प्रणाली में भू जल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का भी सबसे विकसित नमूना है। रानी की वाव सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अलंकृत है, साथ ही मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी डोम नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस वाव की हर मंजिल पर बहुत ही उच्च कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिनकी मुख्य विषय वस्तु भगवान विष्णु के रूप और अवतार हैं। लगभग 70 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी इस वाव में 500 से भी ज्यादा मुख्य कलाकृतियां और 1000 से भी ज्यादा छोटी कलाकृतियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के 24 रूपों और 8 अवतारों के अलावा नागकन्या, योगिनी जैसी सुंदर अप्सराओं की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें वर्तमान समय में ही बनाया गया हो। क्या आप जानते हैं कि ये बावड़ी 700 सालों तक गाद में दबी रही? दरअसल 13वीं शताब्दी में हुए भूमिगत परिवर्तनों के कारण वो नदी ही विलुप्त हो गई जिसके किनारे ये बावड़ी बनी थी। बताया जाता है कि भूमिगत प्लेटों के खिसकाव के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आई और बाढ़ थमने के बाद ये क्षेत्र गाद में दब गया। ये गाद इतनी अधिक थी कि इसने 28 मीटर गहरी इस वाव को भी जमींदोज कर दिया। वाव के लंबे समय तक गाद में दबे रहने को ही इन मूर्तियों की चमक का कारण माना जाता है। रानी की वाव को दोबारा ढूंढ निकालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1950 के दशक के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया, जो लगभग 40 सालों तक जारी रहा। आखिरकार 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पुरातत्व विभाग को सफलता हासिल हुई और फिर से ये बावड़ी अपने वर्तमान रूप में आ गई। बताया जाता है कि वाव में पहले 292 स्तंभ थे जिन पर ये मंजिलें टिकी थी, लेकिन अब 226 स्तंभ ही बचे हैं। साथ ही अब ये बावड़ी पानी का स्रोत भी नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत इस वाव के पश्चिमी छोर पर स्थित है ये कुआं, जो 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। कहते हैं लगभग 50 साल पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था, जिसमें औषधीय गुण पाए जाते थे, और इस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता था। पानी में औषधीय गुण का कारण वाव के इर्द गिर्द लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। वाव की आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती थी, जो बावड़ी से निकलकर सीधे सिद्धपुर नगर में निकलती थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तकनीक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस अनूठी वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। 900 साल पुराने इस स्मारक से कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं, साथ ही ये स्मारक आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को चुनौती भी देता है।